हेलो गाइस, मेरे चैनल ट्राई विद त्रिशा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी ये सोच रहे होंगे कि अरे, ये तो अपने वीडियोस पर बोलती नहीं है, फिर आज बोलने कैसे लग गई? तो मुझे आज तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस पे ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए। तो चलिए, आज इस प्यारे से एक डिब्बे से, जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ था, दीपावली की पुताई तो हो गई पर ये डिब्बा तो खाली रह गया ना, तो दीपावली पे ये ना फिक जाए, इससे पहले मैं इसको चुरा के ले आई हूँ। और चलिए, इससे आज कुछ बनाते हैं। तो इसको मैंने पुट्टी ली है, जो वॉल पुट्टी से मैंने क्ले घर पर ही बनाई है, जिसको मैंने ईंटों के शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में काटा है, और वन बाय वन मैं अपने प्यारे से डिब्बे पर चिपका दूँगी। और इसको मैंने कई तरीक़ों से यूज़ करके आपको आगे वीडियो में बताया है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए, मैं सारे ही डिब्बे में ईंटों को चिपका दिया है, और इस पर हम ब्राउन कलर करेंगे सबसे पहले, जो कि मुझे पहले बैकग्राउंड का कलर करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, पहले हम ब्राउन ही कर लेते हैं। देखिए, ब्राउन कलर अच्छे से हर ईंट पर करेंगे, उसके बाद हम बैकग्राउंड में ब्लैक कलर करेंगे, जो कि दिखने में सच्ची में बहुत सुंदर लग रहा था बनने के बाद। तो अगर इस तरीके के डिब्बे आपके घर पर भी पड़े हुए हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और ये बनने के बाद इतना अच्छा लगता है कि आपको भी बनाने का मन कर जाएगा। तो चलिए, तो अगर आप भी मुझे कोई क्राफ्टिंग के कोई न्यू आइडियाज़ मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं नए नए क्राफ्ट करके आप लोगों को दिखा सकूँ। तो देखिए, ब्लैक कलर हम अपने डिब्बे पर कर देंगे बैकग्राउंड में। तो ऐसे ही दीपावली पर डेकोरेट करने के लिए मैंने दो तीन क्राफ्ट दिवाली के लिए भी डाले हुए हैं, तो आपको अगर वो वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई गलती उनमें लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए, हमारे ब्लैक कलर तो पूरा कंप्लीट हो गया था डिब्बे पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कंप्लीट तो नहीं लग रहा है, इसमें अभी भी कुछ कमी लग रही है। तो मैंने सोचा हल्का हल्का वाइट शेड मैं इस पर मार देती हूँ, जिससे हल्का सा ग्रे सा कलर बन जाए, जिससे देखने से और भी प्यारा लगे। देखिए, बस ये वाइट कलर कर देंगे, और मैंने इनको तीन तरीके से यूज़ करने का तरीका आपको बताया है। देखिए, पहला तो मैं इसको कुछ एक फ्लावर पॉट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप पेंसिल केस की तरह आपको यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा आप इसमें प्लांट भी लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।